भारत का एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर कामाख्या मंदिर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कामाख्या मंदिर का ये रहस्य जान आप दंग रह जाएंगे। भारत में 51 शक्तिपीठ है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ कार्य या धर्म का काम नहीं कर सकती, लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर पीरियड्स के समय भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती है। इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। ये वो मंदिर है जहां पर देवी की महावारी के समय पूजा की जाती है, यानी कि महिलाएं यहां अपने मासिक के दिनों में जा सकती है। तो ऐसा एकलौता भारत का मंदिर है जहां पर महिलाएं अपने मासिक के समय में भी अंदर जा सकती है। इस मंदिर में कोई देवी की मूर्ति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मूर्ति के भला ये कैसा मंदिर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है, यानी कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे योनि रूप एक शिलाखंड है और जिसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती को काट दिया था, तब देवी सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक जहाँ जहाँ सती के अंग या धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए हैं। इस मंदिर में कोई देवी की मूर्ति नहीं है, पर देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिस पर लाल रंग के गेरू की धारा गिराई जाती है। इस मंदिर में दिया जाता है बड़ा ही अनोखा प्रसाद। प्रसाद के बारे में आप सुनेंगे तो भी आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है यहाँ पर, और इस कपड़े को अंबुवाची कपड़ा कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ आज भी दी जाती है बलि। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बलि दी जाती है। यह देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहाँ पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा भी की जाती है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है, और वही कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी माँ कामाख्या देवी मंदिर में चढ़ाते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मानव शिशुओं की भी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, इन जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता है यह कामाख्या मंदिर? तंत्र मंत्र भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, काली विद्या भी बहुत सारी यहाँ पे होती है। माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस सिद्ध पीठ पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर
तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीज़ों को लेकर जाते हैं। यदि किसी के ऊपर बुरी साया है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आए और अघोरियों से मिले तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब देखते हैं कामाख्या मंदिर का इतिहास। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। क्या आपको पता है 3 हिस्सों में बना है कामाख्या शक्तिपीठ? कामाख्या शक्तिपीठ जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इस हिस्से में हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी बहता रहता है। महीने के 3 दिन ये मंदिर बंद रहता है। चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरे इस शक्तिपीठ में विजय की कामना के लिए क्या संतरी और क्या मंत्री सभी माथा टेकने यहाँ पे जरूर पहुँचते हैं। और हाल ही में सारा अली खान भी वहाँ पे गई थी। आखिर भारत में कहाँ स्थित है यह मंदिर? तो भारत में तो है लेकिन कहाँ पर स्थित है देखते हैं हम। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां न केवल देश के लोग बल्कि अलग अलग देशों से भी इस मंदिर में देवी के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। आपको बता दूं कि यहाँ लगता है अंबुवाची मेला, तो अंबुवाची मेला भी यहाँ पे लगता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल यहाँ पर अंबुवाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि 3 दिन तक वहाँ के जो पंडित है या जो वहाँ के पुजारी है वो नदी में गुलाल डालते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो ब्रह्मपुत्र का लाल हो जाता है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह भैरव का मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म किया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवनदान मिला था, इसलिए ये इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। आप जब भी असम जाए इस मंदिर में एक बार जरूर जाए और इसको एक बार जरूर देखें। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।